अरे कॉल काट के क्यों भाग रहे हो यार, इतना परेशान क्यों, आराम से बात करो ना, इतना मतलब बौखला खाए जाते हो। अरे अरे जल्दी दिखाओ आप, अल्लाह ने मैंने कहाँ कहाँ लिखा है ये जानवर हराम है। मैं हाँ सब बता रहे हैं भाई। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि भैंस खाना क्या वो हलाल है कि नहीं है कुरान हदीस से। अरे कुत्ता खाना हराम है ये दिखाओ, शेर खाना हराम है ये दिखाओ, चीता खाना हराम है। अरे ये तो हराम है ये, इस पे तो सबका इत्तेफाक है ना, इख्तलाफ तो मेरे पे दलील दी जाती है। तुम पागल आदमी हो, कल को तुम कह दो कि 5 टाइम की नमाज फर्ज है हमको दिखाओ। अबे जब सबके ऊपर भाई सबका इत्तेफाक है कि हाँ भाई 5 टाइम की नमाज है, तो उसमें कहे कि ले लो कौन सा गरीबी कुत्ता खा रहा है जो तुमको दिखता है ये बताओ। कुत्ता खाना हराम है लेकिन तुम, अरे तो हम भी कह रहे हैं कुत्ता खाना भाई वो मना है, हम कब कह रहे हैं कि मेरे भाई कुत्ता खाओ। अजीब पागल आदमी हो, जब हमारा तुम्हारा इत्तेफाक है कि कुत्ता खाना हराम है तो फिर इसके ऊपर मेरे भाई फालतू बात करके क्या फायदा। बात हो रही है भैंस के ऊपर, भैंस आपके इमाम ने हलाल किया और हम कह रहे हैं कि हमारे अल्लाह ने भाई इसको हलाल किया। मैं आपको बता दूं जाहिल तुझे पता ही नहीं है, भैंस को खाने का आईमा का वो उम्मत का इजमा है ठीक है। तो उम्मत का इजमा क्या मेरे भाई, बिना उस पे हो गया दलील के इजमा हो गया बिना, मतलब चाय के होटल पे तुम्हारे इमाम साहब ने इजमा कर लिया था बैठ के कि हाँ चलो भैया भैंस एक जानवर है काली काली रंग की है, चलो लो हम लोग बैठ के इजमा कर लेते हैं चाय के होटल पे कि भैंस खाना जायज है। पागल आदमी, अबे बिना दलील के किसी चीज पे इजमा थोड़ी ना होता है, ये उम्मत का इस पे इजमा है। अब ये अबे तो इजमा क्या किसी दलील के बिना हो जाएगा, घर में बैठे बैठे इजमा हो जाएगा। तीन इमामों के नाम अभी कल को बरेलवी लोग मेरे भाई दरगाह मजार पे जाके इजमा कर लेंगे कुत्ता खाना जायज है, तो क्या तुम्हारा इजमे से साबित हो जाएगा कुत्ता खाना। अरे आप तो दरगाह की बात भी लेकर तुम्हारे पास जवाब नहीं बनता, तुम इसका बात करो ना, कुरान से क्यों भाग रहे हो भाई। हम तो कह रहे हैं सूरे, आपने ये कहा नहीं नहीं देखिए भाई, कुरान में पहले सूरे अल माईदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 खोल के आप खुद उसका तर्जुमा बताइए। अब आपके पास जवाब नहीं, नहीं अब आपका मुंह काला हो चुका है भाई, कहाँ कहाँ भागे। अभी ऑडियो मेरे भाई यूट्यूब पे जाएगी, सारी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी भाई, अच्छी बात नहीं है ना। चलो आदत हम तुम्हारा नहीं करते शैतान, सूरे अल माईदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 इसका तर्जुमा आप हमें पढ़ के बताइए, अभी आप खुद ही आपका झूठ मेरे भाई आवाम के सामने आ जाएगा। ऐसे अकेले बोलने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा बोलने से हक पे नहीं साबित हो जाओगे मेरे भाई, ज्यादा बोलने से हक पे नहीं साबित हो जाओगे। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। हदीस पेश कीजिए कि हम सब पेश कर रहे हैं, हम कुरान की आयत पेश कर रहे हैं, क्या माजल्ला आप इनकार कीजिए। पहले आप पहले इनकार कीजिए कुरान की आयत का, आप पहले कुरान की आयत का इनकार कीजिए फिर हम आपको हदीस बताते हैं। आप कुरान की हदीस, अरे भाई कुरान की आयत का इनकार करो ना, तभी तो हदीस हम बताएंगे। पागल आदमी हदीस पेश करो, हदीस पेश करो, तुम तुम्हारी तुम जलील हो रहे हो। अच्छा चलो कौन सी हदीस पेश करनी है बताइए, बताइए कौन सी हदीस पेश करें भाई। हाँ बताइए कौन सी हदीस पेश करें भाई, अरे कौन सी हदीस पेश करें बताओगे या मेरे पे बड़बड़ाते रहोगे। भाई भैंस खाना, भैंस खाना जायज है, दिखा दीजिए आप मुझे। चलिए भाई पेश कीजिए। तो भैंस खाने के लिए हमने कुरान की आयत आपको पेश कर दी है, अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह अल माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, तुम्हारे लिए जो मवेशी जानवर है जो चार, अरे भाई जो चौपाई जानवर है वो अल्लाह ने हलाल कर दिए हैं, सिवाय उनके जिनके नाम पढ़ के सुना दिए गए। हदीस में दिखाऊंगा, चीजें वो हदीस आप पेश करो ना, जल्दी करो। चलो बोल लो आराम से भौंक लो, ठीक है जब भौंक के थक जाना तो फोन कर देना। और भौंको और भौंको और भौंको, अभी तुम खुद ही फोन काट के भागोगे। अरे भागना मत देखो, अभी पहले भी तुम फोन काट के भागे थे, अभी भी भागोगे, तुम भागते रहोगे। तुम्हारे ऐसे बरेलवी लोग खाली भागते हैं, जब कुरान देख लेना, जब शैतान के सामने कुरान पढ़ा जाता है तो शैतान भागता है। ये चीज खाना हराम है, जब शैतान के सामने कुरान पढ़ा जाता है तो शैतान भागने लगता है, परेशान होता है, फड़फड़ाता है, बड़बड़ाता है। तो साबित हो गया बरेलवी शैतान, ठीक है हमजा पढ़ रहे हो शैतान कुरान का, सूरह अल माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1, ये बरेलवी कभी पढ़ेगा नहीं क्योंकि इसी से साबित होता है खाना हलाल है। जब अल्लाह ताला ने साफ मेरे भाई जो उसूल है कायदा है बयान कर दिया कि तुम्हारे लिए चार पांव वाले जो मवेशी जानवर है वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं, तो भैंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चार पैर है, वो भी शाकाहारी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई को जो जानवर है
मनुष्य जानवर है, तो अब आप हमको ये साबित कर दीजिए कि भैंस खाना कुरान से साबित ये नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, हमको आपके इमाम के मुकल्लिद थोड़ी नहीं है।